सुबह के 9:30 बजे हैं और आज मुझे एक YouTube वीडियो शूट करना है फोटोग्राफी के रिलेटेड। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझसे लोगों ने पूछे हैं, उन्हीं को मैं अभी कंपाइल कर रहा हूं और कुछ ही देर में मैं ये वीडियो शूट खुला है यार। भूमि भाई क्या हुआ रुमान तेरे को सुबह सुबह? आज अच्छी धूप है ना, चलो आज फोटो वॉक के लिए जाते, प्लीज मैं पागल हो गया घर पे। इस वबा में कहां जाएगा भाई? उधर जा सकते हैं ना, पीछे वाली विलेज में, वहां पे अच्छे से हो जाएगा यार। एक फोटो नहीं खींची है इतने महीनों से। कौन से विलेज वाले यार, विलेज में भी क्वारंटीन है, सब लोग घरों में बंद हैं, कुछ नहीं खुल रहा हो, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। यार मुझे आज YouTube वीडियो बनाना है, मुझे प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे काम करना है प्लीज। बाय। बोरिंग नफर ये बंदा ना, मूड खराब कर देता है ये। Hi guys, welcome to my YouTube channel. You know me as the other Rumi on Instagram and short me, people call me Rumi. मैं पिछले 5-6 साल से फोटोग्राफी कर रहा हूँ और आज मैं आपके फोटोग्राफी के क्वेश्चंस को आंसर करूँगा जो आपने मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछे थे। जो मेरे आंसर्स होंगे वो मेरे पर्सपेक्टिव से होंगे, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ फोटोग्राफी के बारे में, मैं कोई उतना बड़ा थोद कुछ हूँ नहीं, तो बस एक फोटोग्राफी का शौकीन हूँ। तो जो क्वेश्चंस मुझे इंस्टाग्राम पे पूछे गए थे उनको मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस, भारी भारी सवाल, तो पहले वही कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल डार्क अल्फा एक्स ने पूछा है कि डिड यू फेस जजी फेसेस व्हेन यू चोज टू डू समथिंग यू लव? तो जजमेंट तो बहुत ज़्यादा हुई, फैमिली ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया अर्ली ऑन, जो होता है यूजुअली रिश्तेदार या बाकी लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको बोलते हैं कि ये कोई अच्छा फील्ड नहीं है, इसमें कोई स्टेबल करियर नहीं होता, तो आपको कुछ सब्सटैंशियल कुछ बड़ा करना चाहिए। तो इस चक्कर में मुझे काफ़ी बार मुझे ह्यूमिलिएटेड या इंसल्टेड फील होता था, लेकिन मैं अंदर से मुतमईन था कि मुझे यही करना है और इनकी इस नेगेटिविटी को मैंने अपने मोटिवेशन बनाया और मैंने अपने दिल में ठान लिया कि मैं इनको कामयाब होके दिखाऊंगा इस स्ट्रीम में, तो बस चलता जा रहा है। डार्क अल्फा एक्स का दूसरा सवाल है कि हाउ डिड यू मैनेज टू फाइंड अ पाथ डायरेक्शन कंसिडरिंग देयर इज नो गाइडेंस इन कश्मीर? बचपन से टीवी मैगजीन्स ये सब देख के मुझे आइडिया आ चुका था कि फोटोग्राफी की एक अलग दुनिया है, एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है ये आर्ट का, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है यहाँ कुछ ज़्यादा लोगों का मुझे पता नहीं था जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, तो मुझे पता नहीं था कि मैं पूछूं किससे कि इसमें क्या करना होता है, कैसे बढ़ना होता है आगे। और क्योंकि मुझे फिल्म से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, तो मैं फिल्म डायरेक्टर्स की इंटरव्यूज़ और सक्सेसफुल जो आर्टिस्ट हैं उनके इंटरव्यू सुनता था और उनसे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला कि अपना रास्ता खुद बनाना होता है और कोई हाथ थाम के आपको चलाने वाला है नहीं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप खुद ही खुद को चलाना सीखो। और मैंने वही किया, मैंने ऑनलाइन लिटरेचर पढ़ा, यूट्यूब वीडियोस देखे जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं कि आप एज अ फ्रीलांसर किस तरह से अपना जो ब्रांड है, बिजनेस है, वो खड़ा कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि कश्मीर में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कम ही हैं, छोटी ही हैं, मैंने उनको एक्सप्लोर किया और आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी छोटी सी एक कंपनी मैंने बनाई। ओके, अनदर क्वेश्चन इज आज़िब खान एंड अबरार फारूक, दे बोथ हैव आस्क्ड कि व्हाट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ फोटोग्राफर इन कश्मीर, स्ट्रगल एंड डिफिकल्टीज़ फेस्ड बाय फोटोग्राफर्स। पूरी दुनिया में ये फोटोग्राफर्स को स्ट्रगल करना पड़ता है, आसान कोई फील्ड है नहीं ये, और ऑन टॉप ऑफ दैट जब आपको लोग दे ट्राई टू पुट यू डाउन, दे जज यू एंड दे टेल यू दैट यू नो यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, that is one part that you know makes you feel bad, it can spoil your mood anytime, but you just have to ignore that and keep going. World over itne log ab photography karte hain, bahut iska boom ho gaya hai, to now you have to be really really good or you have to have a lot of connections to keep getting work. जो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, क्योंकि अब प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी कम ही हुआ करते थे, तो वो भी एक मुश्किल चीज़ है। स्पेशली यहाँ कश्मीर में क्लाइंट्स जो हैं दे विल नॉट वॉन्ट टू पे यू नो वॉट इज़ अ स्टैंडर्ड रेट फॉर द सर्विस, लेकिन अगर कोई दिल्ली से आता है, मुंबई से फोटोग्राफर आता है, तो दे आर विलिंग टू पे देम एनीथिंग दे वॉन्ट, तो दैट रियली सक्स। वी शुड ट्राई टू एनकरेज अवर ओन, हमें अपने लोकल फोटोग्राफर्स को एनकरेज करना चाहिए।
एक और चीज़ जो फोटोग्राफी में मुश्किल है वो है आप जो फोटोग्राफी करते हैं आपको साथ साथ अपग्रेड करना पड़ता है टाइम टू टाइम, आपको लेंसेज और बाकी किट लाना पड़ता है, तो आपकी सेविंग्स ज़्यादा नहीं बच पाती दिन ब दिन, जो कैमराज काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं आप यू फील यू नो यू लूज़ आउट कि बाकी के पास नए नए कैमरा है मेरे पास नहीं है. एंड वन मोर थिंग फॉर यंगर फोटोग्राफर्स, देर इज़ नो गाइडेंस, देर इज़ नो स्कूल, आई नो देर देर आर सम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ऑफरिंग फोटोग्राफी कोर्सेज बट दे आर वेरी बेसिक एंड आई डोंट नो इफ दैट इज़ रियली हेल्पफुल टू द स्टूडेंट्स. और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना कि खांदर मिली थी क्या, अगर फोटोग्राफर शुभ तेल दिन से कहा खांदर इसी गोड़ने थी था उन्ना लिखे तक एफिडेविट कि फोटोग्राफर शुभ बन खांदर दिन का. आई एम बासित हैज़ आस्क्ड कि एक चीज़ जो फोटोग्राफर के पास होनी ही होनी चाहिए. मेरे हिसाब से दो चीज़ें हैं जो फोटोग्राफर के पास होनी ही होनी चाहिए. एक तो है पर्पस, आप फोटोग्राफी क्यों कर रहे हो, क्या आप पैसे कमाने के लिए फोटोग्राफी कर रहे हो सिर्फ, या आप अपने कल्चर को कुछ कंट्रीब्यूट उसके लिए करना चाहते हो. मुझे पहले से क्या फील होता था कि जो मैं तस्वीरें लेता हूँ, जो मेरे पास ये स्किल है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी मेरे लिए बन गई. मैं इजीली कहीं और बाहर जाके यू नो मैं इसमें कोर्स करके या किसी इंडस्ट्री में जाके काम कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि चाहे यहाँ पे कम ही अपॉर्चुनिटीज़ क्यों ना हो, मुझे अपने मदरलैंड के लिए कुछ करना है, कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो एक पर्पस फोटोग्राफर के लिए होना बहुत ज़रूरी है. और जो दूसरी चीज़ है, आपके पास एम्पथी होनी चाहिए. आप अगर किसी इंसान की या किसी जगह की तस्वीर ले रहे हो, वो चीज़ या वो इंसान वहाँ पे सिर्फ इसीलिए नहीं है कि आप तस्वीर लेके चले जाओ, यू नो यू शुड बी एबल टू अप्रिशिएट एंड कनेक्ट दैट सर्टन थिंग और पर्सन. इट इज़ वर्क फॉर यू बट इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट पर्सन दैट यू आर एबल टू क्रिएट दिस वर्क, सो यू शुड बी यू नो थैंकफुल एंड यू शुड बी ग्रेटफुल. यू डू नॉट हैव अ फोटोग्राफर डिप्लोमा ट्रेनिंग एंड टीचिंग बट नाउ यू आर अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, हाउ इज़ दैट. For example, you have someone who is really good at coding, so he can make websites and he's making money from that. But he doesn't have a degree in you know computer science or whatever. So iska matlab hum nahi bolenge ki wo professional nahi hai. So I think professional is a person who has knowledge as well as practical experience in a certain field. Mian hisab se sui professional. तो वीडियो की स्क्रिप्ट आई थिंक डन है और आई थिंक आई नो व्हाट आई हैव टू डू एंड शूट. यार रूमी भाई मैं पागल हो गया यहाँ घर पे, कुछ नहीं है करने को, तो मैं क्या करूँ यार, मूवी देख कोई टीवी सीरीज देख, सब लोग यही कर रहे हैं ना यार. मूवी सीरीज सब देखी मैंने, लिटरली कुछ नहीं है अब करने को, दिमाग की दही हो गई. अरे यार हाँ ये है ना देख, ये है मैक्रो ट्यूब, इसको तू अपने किसी भी लेंस के सामने भी लगाएगा ना तो वो लेंस मैक्रो लेंस बन जाएगी. ओके okay. और उससे तू चीज़ों के जाके करीब से पिक्चर्स ले सकता है. तू जाके बाग में कुछ कीड़े वीड़े ढूंढ और उनकी फोटो ले जा. थैंक यू रूबी भाई, लव यू रूबी भाई. तो अब हम दूसरी कैटेगरी के सवालों की तरफ जा रहे हैं जो है कैमरा गियर के रिलेटेड, कि व्हाट कैनन लेंस वुड यू सजेस्ट फॉर स्ट्रीट फोटोग्राफी. ओके आई एम गोना आंसर बट इररेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड, कैनन निकॉन सोनी व्हाटएवर इट इज, आई थिंक द बेस्ट लेंस टू शूट स्ट्रीट फोटोग्राफी इज 50mm और 35mm बिकॉज दीज आर वाइड इनफ टू कैप्चर स्पेसेस एज वेल एज दे हैव अ काइंड ऑफ अ शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड टू फोकस ऑन पोर्ट्रेट्स. तो दीज आर ऑल पर्पस स्ट्रीट फोटोग्राफी लेंसेज आई बिलीव. Marvin Keen and Sunistri have asked ki which camera do I use, what is my favorite lens and in which mode do I prefer shooting the most. My camera right now which is shooting me and which is right here is ye mere dost ka camera nahi hai, utna thod monu nahi hu main. It's a Sony A7 III. My favorite lens has always been the 35mm. It's just how I see the world. I see the world in 35mm. Bahut bada statement ho gaya. And I always shoot in manual mode. I don't use the aperture priority or shutter priority mode because I like having total control. Sometimes when I'm vlogging or shooting video, I use the aperture control. But mostly jo main shoot karta hu manual mode mein hi karta hu. Main apna jo burst hai usko highest setting pe rakhta hu taki main koi moment miss na karu aur baad mein jab main editing kar raha hu to mere paas options rahe photo choose karne ke liye. Zaheen's photography has asked two questions. The first one is a good lens for night photography.
फॉर नाइट फोटोग्राफी यू नो देर इज़ लो लाइट, लाइट उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है, तो उसके लिए यू नीड अ फास्ट लेंस, मतलब कोई भी लेंस जिसमें एपर्चर f/2.8 या उससे कम है, लाइक f/1.4, f/1.8, ऐसी लेंस आपको आपके पास होगी तो आप नाइट फोटोग्राफी ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। और इनका दूसरा सवाल है, विच इज़ द बेस्ट लेंस फॉर फोटोग्राफी, समथिंग विच यू कैन यूज़ फॉर एवरीथिंग। जो 50mm लेंस है ना, उसको बोला जाता है निफ्टी 50। हर फोटोग्राफर जो है उसके पास 50mm होती ही है। दैट इज़ वन लेंस दैट यू कैन यूज़ फॉर एवरीथिंग। ऑल्सो 35mm, इट्स ऑल्सो फोकल लेंथ विच कैन बी यूज फॉर एवरीथिंग। अनदर क्वेश्चन इज बाय जूनी आर्डीज एंड ही सेज, आई एम ट्राइंग फोटोग्राफी फ्रॉम माई फोन, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू बी अ प्रोफेशनल वन। ओके, यू नीड अ कैमरा विच हैज़ करंट फीचर्स एंड यू नीड गुड लेंसेज। तो मिनिमम आपका खर्चा जो है, समटाइम्स यू नीड अ फ्लैश लाइट और एक्सटर्नल लाइट्स, तो 2-2.5 लाख का आपका खर्चा तो होगा ही। बट यू नो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स ऑल्सो। काफ़ी जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं वो एक सिंपल से कैमरा से भी, मतलब एक बेसिक DSLR से भी आपको प्रोफेशनल रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो प्लीज़ पॉलिश योर स्किल्स एंड प्रोफेशनल बनने के लिए आपको प्रोफेशनल इक्विपमेंट होना ज़रूरी नहीं है। जो इक्विपमेंट मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ उसको खरीदने में, उस तक पहुँचने में मुझे काफ़ी साल लगे, तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। मैंने शुरू तो DSLR से ही किया था, निकॉन D5300 से शुरू किया था, तो उससे भी मैंने काफ़ी प्रोफेशनल काम किए। काफ़ी वीडियोज़ मेरी चैनल में जो पहले के हैं वो निकॉन D5300 पे शूट हुए हैं। तो नॉट रियली, डजंट मैटर कि आप सीधा जाके पहले प्रोफेशनल गियर ही ले आओ, पहले अपनी स्किल्स को पॉलिश करो और उसके बाद आप गियर का सोचो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग टॉपिक, वेरी वास्ट टॉपिक। इट्स अबाउट स्ट्रीट फोटोग्राफी एंड यू नो टेकिंग पोर्ट्रेट्स ऑफ पीपल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय साबिर रफीक, ही आस्क्स, डू यू आस्क रैंडम पीपल बिफोर टेकिंग देयर पिक्चर, व्हाट्स द थंब रूल इन फोटोग्राफी। व्हेन आई एम आउट देयर इन द स्ट्रीट टेकिंग पिक्चर्स, आई ट्राई टू यू नो इफ आई फाइंड समवन इंटरेस्टिंग, आई विल गो अप टू देम एंड आई विल टेल देम कि यू नो इशारे में ही बात हो जाती है कि मैं आपकी तस्वीर लूँ। एंड समटाइम्स यू नो इफ दे आर कम्फर्टेबल दे बी लाइक यू नो दे बी लाइक या श्योर एंड दे ट्राई टू, वो कपड़े वपड़े ठीक करने लगते हैं तो लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि दे लाइक नो। सो आई ट्राई टू नॉट यू नो गो एंड इंटरवीन या इंट्रूड इन टू समवन्स प्राइवेसी एंड टेक देयर पिक्चर्स। आई ट्राई टू मेक श्योर कि इस बंदे का कंसेंट है, मतलब जेस्चर्स में ही पता चल जाता है कि ये बंदा कंफर्टेबल है कि नहीं। एंड देन रिलेटेड क्वेश्चन इज बाय हनान त्रंबू, ये पूछ रहे हैं कि डज आस्किंग परमिशंस ऑन स्ट्रीट फ्रॉम सब्जेक्ट्स रुइन द इमोशन एंड स्टोरी। द थिंग इज कि वो जो इंसान है इज जस्ट नॉट अ सब्जेक्ट, ही इज अ ह्यूमन बींग ऑल्सो एंड ही इज यू नो अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। द स्टोरी इज देयर, इट्स बिकॉज ऑफ हिम। सो इफ वी आर just using his story and just going away like that, it's not good. So sometimes when I see a frame, मैं कुछ फ्रेम देखता हूँ कि भाई ज़बरदस्त फ्रेम है, मुझे इसकी तस्वीर लेनी है, मैं तस्वीर ले लूँगा और उसके बाद मैं उनको दिखाऊँगा कि ये तस्वीर है, ताकि उनको एक आइडिया मिले कि मैंने क्या किया, उनको ऐसा ना लगे कुछ फ़ोटो लेके भाग गया। मीर अयूब एंड ही सेज कि डूइंग स्ट्रीट फोटोग्राफी इज़ मोस्ट स्ट्रगलिंग, सम पीपल लुक एट यू द वे दैट इट मेक्स यू नर्वस। पहले जब मैं महाराजगंज या ऐसे खानका से जाता था स्ट्रीट फोटोग्राफी करने, पहले मुझे भी बड़ा अजीब लगता था लोगों को उनकी तरफ कैमरा पॉइंट करके तस्वीरें लेने से, क्योंकि दे विल बी लाइक ये कौन है। माय सजेशन इज़ कि आप बस कहीं जब फोटोग्राफी कर रहे हो तो डोंट जस्ट शो अप एंड स्टार्ट टेकिंग पिक्चर्स, गो एंड सी व्हाट द पीपल आर डूइंग, आस्क देम हाल चाल पूछो, कॉन्वर्सेशन करो कैसा चल रहा है। तो यू डू नीड स्किल्स फॉर दिस, बट वो आप यू नो विद टाइम सीखोगे, जितना आप और करोगे उतना सीखते जाओगे। तो उनसे पूछो कि यू नो क्या शो चलान, क्या दलील छे, तू शो ठीक पोइट, असल पोइट, एंड देन टेक देयर पिक्चर्स, दे विल बी एब्सोल्युटली फाइन। एंड जो मैंने आपको एम्पथी के बारे में कहा, उनसे यू नो स्माइल के साथ बात करो, अपना एक ऑरा ऐसा बनाओ कि वो लोग आपसे बात करके खुश हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई कुछ चोर की तरह फोटो लेके भाग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक उन सब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट करके उनसे बात करना, दैट इज़ रियली गुड। और वो जो वो आइस है ना, वो ब्रेक हो जाती है, तो आप ना ही आप नर्वस फील करते हैं और ना ही उनको ऑकवर्ड लगता है। वत्सम बरदार इज़ आस्किंग, हाउ डू यू गेट पीपल टू अग्री फॉर पोर्ट्रेट्स इन कश्मीर, पीपल शाई अवे अलॉट व्हेन आई आस्क। सेम थिंग, यू गो एंड टॉक टू देम, डोंट जस्ट बी लाइक अ पर्सन विद अ कैमरा हू इज़ टेकिंग पिक्चर्स एंड गोइंग अवे। First, you know, ask them how they are and ask them what they do, blah, 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 things like that, and tell them about yourself.
ताकि यू गेन देयर ट्रस्ट, उनको पता चले कि कौन बंदा है और हमारी तस्वीर क्यों ले रहा है. सो अ लॉट ऑफ द टाइम्स देन पीपल विल ओपन अप टू यू, बट इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि ये बंदा कैसा है, वो एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, या उसे तस्वीर लेने से कोई प्रॉब्लम है. बट हाँ, अगर आप एक स्माइलिंग फेस के साथ जाते हैं और उनके साथ फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं तो मोस्टली वो आपको तस्वीर लेने देंगे. पर्सनल जो मेरा स्टाइल है स्ट्रीट फोटोग्राफी का, जब मैं स्ट्रीट्स पे सीन्स देख रहा होता हूँ कि जो मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं, मोस्टली आई ट्राई टू बी इनविजिबल कि लोगों को पता ना चले कि मैं वहाँ पे हूँ. और एक बार जब मैं तस्वीर लेता हूँ उसके बाद मैं उनको जाके दिखाता हूँ कि ये तस्वीर मैंने ली है, क्योंकि उनका कंसेंट और परमिशन होना बहुत ज़रूरी है. हमाद अंद्राबी ने पूछा है कि विच लेंसेज डू यू यूज़ फॉर स्ट्रीट एंड लैंडस्केप शॉट्स. स्ट्रीट के लिए आई एम यूजिंग टैमरॉन 28-75 जो सोनी माउंट के लिए आती है. बहुत अच्छी लेंस है, बहुत शार्प लेंस है, वाइड भी है और आप जूम भी कर सकते हैं. तो ये जो वाइड जूम्स होते हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं. अगर आपके पास फुल फ्रेम कैमरा है तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 16-35 जो लेंस है वो यूज़ करें स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए. आप वाइड शॉट्स ले सकते हैं और आप जूम करके उनके पोर्ट्रेट्स भी अच्छे ले सकते हैं. और लैंडस्केप के लिए तो अल्ट्रा वाइड लेंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे 14mm है, 16mm है. पर्सनली मेरे पास 18mm लेंस है जो इस कैमरा में अभी लगी हुई है, छोटी सी लेंस है बट बहुत वाइड है, तो लैंडस्केप्स के लिए बहुत काम आती है ये. सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज रैंडम बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय दानिश हाजनी हु आस्क्स, हाउ डू यू अर्न, आई मीन इज इट इनफ फॉर सम बेसिक लग्जरीज ऑफ लाइफ. यार बहुत कम फोटोग्राफर होते हैं जो बड़ी लग्जरियस लाइफ जीते हैं, जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं या जिनके पास बहुत कनेक्शंस हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, वो लोग लग्जरियस लाइफ जी पाते हैं. मेनली जो हमारा फोटोग्राफी का जो बिज़नेस है, हम कमर्शियल काम करते हैं, वेबसाइट्स, होटल्स, ऐसे बिजनेसेस के लिए वेडिंग शूट्स करते हैं, तो हमारा जो फोटोग्राफी से इनकम है वो इन्हीं सोर्सेज से आता है मोस्टली. और ब्रांड डील्स होती हैं, जैसे हमने काफ़ी टाइम तक वाइल्ड क्राफ्ट के साथ काम किया, उनको हमने काफ़ी सारा कंटेंट बना के दिया, तो बीच बीच में वो भी आते हैं, तो इस तरह से अपना गुजारा चल रहा है यहाँ कश्मीर में. सो उन लग्जरी से यू है कि इसकान पन पैशन परस्यू करित इट्स پن پوسٹ زینان لائولی ہڈ پن ہان سپورٹ کرت یہ مے خطر باسان مے لگژری کیاز کہ واریاہ لک پن پیشن گو اپ کران یہ سوسائٹی من بیاک مز چیز کہ ات مجھے سیونگ چھ تیزا روزان کیاز کہ تھی نو نو لینس نو نو گیجٹ انان ات فوٹوگرافی خطر تو اس تک تھی عش کر لگژریز کر تر پوسٹس چھو تھی پی واپس پنس بزنس مز لگا ات مزہ مزہ کہ اس تھی زینان چھو تک ٹریول کران بیو نو ایکسپیرینسز حاصل کران تو سہ ہک بہت لگژرین مز کنسڈر مگر. سو ارباز وجاہت از آسکنگ وٹ آر دا ویز ٹو میک انکم تھرو اٹ اونلی فار اے فوٹوگرافر ادر دین یو نو ڈوئنگ ویڈنگ فوٹوگرافی اینڈ دیز کائنڈ آف تھنگس. تو لائک یو کین ڈو ایڈیٹوریل ورک فار میگزینس فار نیوز پیپرز اینڈ ویب سائٹس دیز ڈیز. بہت ساری ویب سائٹس آن لائن ہیں جو جن کو آرٹیکلس چاہیے ہوتے ہیں, ایڈیٹوریلس چاہیے ہوتے ہیں, وہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ فیشن فوٹوگرافی ہے, پروڈکٹ فوٹوگرافی ہے, ٹریول فوٹوگرافی ہے. اٹ ریئلی ڈپینڈس آن دا کائنڈ آف فوٹوگرافی یو آر انٹرسٹڈ ان. جیسے جرنلزم ہے, بہت سارے فوٹو جرنلسٹس ہیں وہ کافی ایجنسیز کے ساتھ کام کرتے ہیں. جیسے وائلڈ لائف فوٹوگرافرز ہیں وہ میگزینس کے ساتھ, ٹی وی چینل کے ساتھ, بہت سارے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. یو کین آلسو سیل اسٹاک فوٹوز آن لائن, پرنٹس بیچ سکتے ہیں, اپنے کیلنڈرز بیچ سکتے ہیں, تو دیٹ از آلسو وے ٹو مونیٹائز یور فوٹوگرافی. عاقب از آسکنگ وی ڈونٹ ہیو اے پرٹیکولر کمیونٹی اور اے گروپ فار فوٹوگرافرز, پلیز ٹاک اباؤٹ دیٹ. تو دا تھنگ از کمیونٹی ہونا, ایک کلیکٹیو ہونا کسی بھی آرٹ فارم میں بہت امپورٹنٹ ہے. We need to let go of our egos. We need to let go of our insecurities. Or saath mein agar milenge hum, we can do something even bigger and you know take photography here to another level. Encourage youngsters. There are lots of positives to creating a community. I would really love to be a part of this thing. But aisa hai ki photography ka jo field hai bahut hustle rehta hai isme, to you are always trying to you know hunt for opportunities, projects, jisse aap you can make your livelihood work. تو لوگ اپنے livelihood کو بنانے میں focus کر رہے ہیں, تو you can't really blame them, but
I hope we have a community of photographers come together very soon. Molvi Faizan is asking, is it important to add name, watermark on photograph? What if someone else uses my click? The thing is ki it depends on your own personal taste. Mujhe khud pasand nahi hai photo pe naam dalna, usko kharab karna. But kafi baar log chori karte aur aapka photo use karte hain to aapko credit bhi nahi dete, to that is really annoying. My friend Furkan Paul has asked, ye jo humko hamari aankh se dikhta hai wo camera mein kahe nahi dikhta bhaiya ji, bahut hi problem hai. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ बातें करने में. आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ़ यू फॉर द सपोर्ट जो आप मुझे यहाँ पे और इंस्टाग्राम पे और यू नो जनरली मुझे इतना सपोर्ट और प्यार देते हैं मेरे काम के लिए. दैट रियली कीप्स मी मोटिवेटेड एंड कीप्स मी गोइंग. तो माई रिक्वेस्ट इज़ प्लीज़ कम एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड you know join me on this YouTube journey, because I would really love to share more of my knowledge about photography with all of my young you know passionate photographers from Kashmir. So I think this is it for today. वीडियो का सारा काम जो है ऑलमोस्ट हो गया है. मैंने बस सोचा कि रुमान को देखते हैं वो क्या कर रहा है. मुझे उसकी काफ़ी टेंशन रहती है यार, इसको आदत नहीं है घर पे बैठने की. क्या हुआ भाई तेरे को? यार आपने कहा था मैक्रो फोटोग्राफी करो, तुम्हें आए कीड़े ढूंढने, एक भी नहीं मिला, वो भी साले लॉकडाउन में थे. तो मैंने सोचा मैं अकेले ही जाता हूँ फोटो वॉक करने, आप तो जाने दोगे नहीं. अबे तो मैंने बड़े ज़बरदस्त पिक्चर्स लिए विलेज में, लेकिन फिर अचानक मैंने छीका और दो लोगों ने सुना, उन्होंने 10 को बुलाया, तो सब लोगों ने मुझे इतना मारा कि मैं लॉकडाउन में क्या नॉर्मल में भी कभी स्ट्रीट फोटोग्राफी करने नहीं जाऊँगा. देखा लॉकडाउन अगर करीब में फॉलो पजार करो, इसलिए करो लॉकडाउन फॉलो तो गारंट मजबी हो. फिलहाल दिमो ये मिस नरेंद्र संगन जोड़ते ले.